सूर्या की बल्लेबाजी देख वर्ल्ड कप 2023 के लिए फिर बैठी बीसीसीआई बैठक। कोहली के बाद अब रोहित शर्मा की हो रही है गलकने तेज। 2023 के वर्ल्ड कप में क्या सूर्य कुमार यादव को मिलने वाली है भारतीय टीम की कप्तानी? श्रीलंका के खिलाफ खेली गई धमाकेदार शतकीय पारी को देखने के बाद क्रिकेट जगत में फिर एक बार हलचल पैदा हो गई है। भारतीय टीम का यह सितारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ T20 बल्लेबाज बन चुका है। न सिर्फ गेंदबाज बल्कि अंपायर भी इस बल्लेबाज के नायाब शॉट देखकर क्रिकेट के नियमों को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। न वाइड देखता है न यॉर्कर देखता है, आड़े टेढ़े शॉट खेलकर गेंदबाजों के भी छक्के छुड़ा देता है। 21वीं सदी में सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी के आगे तो एबीडी प्लेयर्स भी छोटे दिखाई दे रहे हैं। दूर क्यों जाएं, अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी सूर्य की बल्लेबाजी के कसीदे ऐसे पढ़े कि हर कोई दंग रह गया। शोएब अख्तर ने तो 21वीं सदी का सबसे खतरनाक T20 फॉर्मेट का बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को बता दिया। उन्होंने कहा है, एबी डी विलियर्स के पास क्लास थी लेकिन सूर्य कुमार यादव निडर हैं और मुझे ऐसे ही निडर बल्लेबाज T20 फॉर्मेट में पसंद है। किसी जमाने में अजहरुद्दीन को माना जाता था वो नायाब बल्लेबाज जो अपनी कलाइयों के दम पर गेंद को ऐसी दिशा देता था कि गेंदबाज के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती थी। लेकिन आज के समय में सूर्य कुमार यादव के पास वह काबिलियत है कि वह अपनी स्किल्स के दम पर गेंदबाजों के पिच पर ही पसीने छुड़ा देते हैं। यही कारण रहा कि सूर्य कुमार यादव ने साल 2023 में सबसे पहले शतक ठोक बीसीसीआई के भी पैरों तले जमीन खिसका दी है। साल 2003 में ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट इस तरह की धाकड़ बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अपनी बल्लेबाजी से इस बड़े बल्लेबाज को भी अपना मुरीद बना लिया है। गिलक्रिस्ट ने भी सूर्य की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए उन्हें विश्व का सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज करार दे दिया है। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी का डंका ऐसा बज रहा है कि बीसीसीआई भी मजबूर हो चुका है यह फैसला लेने के लिए कि आखिरकार वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम का कप्तान क्या सूर्य कुमार यादव को बनाना ही एक बेहतर विकल्प हो सकता है। सोशल मीडिया पर तो यह मांग भी उठने लगी है कि सूर्य के पास वह काबिलियत है कि वह कप्तानी के पूरी तरह से लायक है। हालांकि इस बीच हार्दिक पांड्या भी अपनी कप्तानी में सूर्य कुमार यादव के कंधे से कंधा मिलाकर ही खड़े हैं। सूर्य कुमार यादव जितने कप्तानी में जिम्मेदार हैं उतने ही हार्दिक पांड्या भी हैं और शायद इसीलिए बीसीसीआई ने यह बड़ी बैठक भी बिठाई कि आखिरकार भारत में वर्ल्ड कप लाना है तो कप्तान में फेरबदल तो करना होगा। हार्दिक पांड्या या फिर सूर्य कुमार यादव, किसी एक के कंधों पर ही कमान डालनी होगी जब ये 12 साल के बाद भारत पर एक बार फिर विश्व चैंपियन बन सकता है।